खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। कठिनाई और परेशानी से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। बियर ग्रिल्स अपनी किताब मड स्वेट एंड टीयर्स में लिखते हैं कि ये बात मेरे जीवन पर एकदम सटीक बैठती है। मैं 21 साल का मस्ती में रहने वाला SAS का सैनिक था। जवानी, सेहत और गर्लफ्रेंड्स थी। फिर एक एक्सीडेंट ने मुझे पैरालिसिस तक पहुंचा दिया, मुझे डिप्रेस्ड और हताश बना दिया। बियर ग्रिल्स कहते हैं, मैंने अपने डर और कमियों का सामना किया, 4 लेसन सीखे जिनकी मदद से मैं न केवल डिप्रेशन से बाहर निकला बल्कि जीवन में मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन पैराशूट नहीं खुला। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि स्पेशल फोर्स के चलते मैं एक अनुभवी पैराशूटर था, कई बार प्लेन से कूद चुका था, लेकिन उस दिन मैंने महसूस किया कि पैराशूट खुलने के बावजूद नीचे गिरने की स्पीड ज्यादा कम नहीं हुई। मैंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो मैं घबरा गया। मैंने देखा कि पैराशूट पूरी तरह खुला नहीं है। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि मैं हड़बड़ाकर पैराशूट के रिपकॉर्ड खींचने लगा जिससे पैराशूट पूरा खुल जाए, पर इस हड़बड़ाहट के चलते मैं धरती के बहुत पास आ गया। अब मेरे पास रिजर्व पैराशूट खोलने का समय नहीं था। मैं तेजी से पीठ के बल नीचे गिरा। नीचे गिरते ही भयानक दर्द हुआ। बियर ग्रिल्स ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि 1600 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद मैं होश में था। मैं दर्द में पड़े इंतजार कर रहा था कि साथी जंपर्स मुझे बचाने आते ही होंगे। बियर ग्रिल्स कहते हैं, मैं वहीं पड़े रो रहा था क्योंकि मैं अंदर ही अंदर जानता था कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। बियर ग्रिल्स कहते हैं, अफ्रीका में इलाज शुरू हुआ, फिर मैं जैसे तैसे अपने देश इंग्लैंड पहुंचा। थोड़ा सा भी हिलने में बहुत दर्द होता। मैंने बार बार डॉक्टर से पूछा क्या मैं दोबारा चल पाऊंगा, पर किसी ने भी मुझे सीधा जवाब नहीं दिया। जब मैंने एक्सरे देखी तो क्लियर दिख रहा था कि T8, T10 और T12 टूट चुके थे। बियर ग्रिल्स कहते हैं, ये कमर के वो हिस्से हैं जो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। गहरा सदमा और डरावने सपने। चोट सच में बहुत गंभीर थी। हॉस्पिटल में पड़े पड़े मुझे लगता था कि शायद अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। इस बात का सदमा इतना गहरा था कि मैं रात में 2 या 3 बार जागता, शरीर पसीने से तरबतर होता, मेरी सांस फूल जाती क्योंकि मैं एक ही डरावना सपना हर रात देखता कि मैं ऊंचाई से नीचे गिर रहा हूं और कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुझे बार बार बहुत पछतावा होता। जब मन ठीक नहीं होता तब शरीर भी स्वस्थ नहीं होता। बियर ग्रिल्स कहते हैं, मेरे साथ भी यही हुआ। 2 महीने निकल गए, मेरी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। उल्टा दर्द बिगड़ता जा रहा था और मेरा शरीर अकड़ता जा रहा था। बियर कहते हैं कि जो लोग मुझे आज जानते हैं वो सोचते हैं कि मैंने बड़ी पॉजिटिविटी और हिम्मत के साथ उस समय का सामना किया होगा। बियर ग्रिल्स कहते हैं, लेकिन सच इसके उलट है। मैं 21 साल का नौजवान बहुत डरा हुआ था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे भविष्य का क्या होगा। मुझे लगता था मेरे सारे सपने सब खत्म हो गए हैं। ये निराशा उदासी में बदल गई, उदासी फ्रस्ट्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन गुस्से में बदल गया। मुझे हर चीज पर गुस्सा आता। मैं बहुत नेगेटिव और डिप्रेस्ड हो चुका था। बियर ग्रिल्स कहते हैं, इस समय मैं अंदर ही अंदर जानता था कि मुझे अपना मन बदलने की जरूरत है। मैं वापस से जिंदा दिल महसूस करना चाहता था। मुझे क्या पता था एक छोटी सी तस्वीर मेरा जीवन बदल देगी। पिक्चर फ्रेम। बियर ग्रिल्स कहते हैं, एक दिन बिस्तर पर लेटे लेटे मेरी नजर दूर रखी पिक्चर फ्रेम पर पड़ी। तस्वीर थी माउंट एवरेस्ट की। बचपन से मेरा और पिताजी का सपना था माउंट एवरेस्ट चढ़ना। फ्रेम पर चढ़ी धूल देखकर मुझे लगा कि मेरे सपनों और जीवन पर धूल चढ़ गई है। फिर मेरे अंदर से आवाज आई, बेबस नहीं हो सकते, कुछ करना होगा। बियर ग्रिल्स कहते हैं, जब कोई नहीं देख रहा था तब मैंने हिम्मत की और बैसाखी के सहारे खड़ा होकर ऊंचाई पर टंगी तस्वीर उठाई और उस पर से धूल साफ की। बियर ग्रिल्स कहते हैं, उस दिन मैंने सोचा मुझे इस निराशा से बाहर निकलने के लिए कुछ उम्मीद चाहिए। कैसे मिलेगी ये उम्मीद? यही सोचते सोचते मैं सो गया। Lesson 1, ऑल इज वेल। जो आप सोचते सोचते सोते हो उसका जवाब आपको अंतर मन की अनंत गहराई से मिलता है। बियर ग्रिल्स कहते हैं, अगले दिन अचानक ही मुझे दादी माँ की बात याद आई। दादी बहुत स्पिरिचुअल और जुझारू महिला थी। दादी अक्सर मुझसे कहा करती, छोटे बियर, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ऑल इज वेल। ये इंसान है जो शिकायत करता है, खुद को दुखी करता है। दादी कहती, छोटे बियर, जब भी मुसीबत आए तो हमेशा खुद को याद दिलाओ, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, इसलिए कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। बियर ग्रिल्स कहते हैं,
उस पल मैंने उन शब्दों के सच को महसूस किया। मुझे लगा कि किसी अनजान शक्ति ने मुझे संभाल रखा है। इस जीवन में क्या होगा, क्या मैं चल पाऊंगा, क्या स्पेशल फोर्स में काम कर पाऊंगा, अब मुझे इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उस पल में इतनी शक्ति थी कि मुझे महसूस हुआ कि किसी ने चिंता का बोझ मेरे कंधों से उठा लिया है। चिंता कम हुई तो उसके बाद धीरे धीरे निराशा और उदासी के बादल भी छट गए। मन स्वस्थ हुआ तो शरीर भी ठीक होने लगा। खुद से वादा। बियर गर्ल्स कहते हैं कि इस घटना के बाद अचानक सुधार होने लगा। एक्सरे में देखा हड्डियों के जुड़ने की स्पीड में काफी तेजी आई है। मैंने उस दिन ऑल इज वेल की ताकत को रियलाइज किया। तभी खुद से वादा किया कि अब मैं किसी चीज के लिए दुखी नहीं होऊंगा। खुद को चिंता करने से पहले बोलूंगा ऑल इज वेल। बियर गर्ल्स कहते हैं उस दिन के बाद से आज तक मैं यही करते आ रहा हूँ। बियर गर्ल्स कहते हैं अब मैं सामान्य महसूस करने लगा। एक दिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि जो हो गया सो हो गया, अब जीवन में कुछ साहसिक काम करना है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। लेसन दो, महान लक्ष्य। निराशा से निकलने के लिए कुछ बड़ा करने के लिए तत्पर रहो। मैं यही सोच रहा था कि मेरी नजर सामने एवरेस्ट की तस्वीर पर गई। अनायास ही मैंने उसे उठा लिया। बियर गर्ल्स कहते हैं मैं तस्वीर को देखकर जोर से बोला, जैसे ही मैं ठीक होऊंगा वैसे ही एवरेस्ट चढ़ूंगा। और उस दिन मैंने खुद से दूसरा वादा किया, अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी डर और संदेह के जीऊंगा। लेसन तीन, जीवन हर हाल में अनमोल गिफ्ट है। बियर गर्ल्स कहते हैं जब मैं बताता कि मैं ठीक होकर एवरेस्ट चढ़ने वाला हूं तो लोग मेरी बात को इग्नोर कर देते, लेकिन अब मेरे पास सपना था, मुझे जल्दी से ठीक होकर एवरेस्ट चढ़ना था। बियर गर्ल्स कहते हैं मैं मानता हूं कि लाइफ बहुत टफ है, कभी अन्याय होता है, कभी आपसे गलती भी होती है, लेकिन इसके बावजूद जीवन अनमोल गिफ्ट है। जब आप सपने को जीवित रखते हो, अपने ऊपर विश्वास करते हो, तब ये जिंदगी आपका साथ देने लगती है। आपको अंदर से खुशी महसूस होती है, तब आपको एहसास होता है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, सपनों का पीछा किया जाए तो ये एक गिफ्ट है। रिकवरी में तेजी। बियर गर्ल्स कहते हैं एक्सीडेंट के तीसरे महीने के बाद दर्द कम होना शुरू हो गया। 8 महीने बाद मैं हॉस्पिटल सेंटर छोड़ने के लायक हो गया। 1 साल में पूरी तरह ठीक होने के बाद मैं वापस SAS आ गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि मैं मिलिट्री लोड के साथ कूद नहीं सकता, पीठ टूटने का खतरा है, इसलिए मैं SAS में सर्वाइवल ट्रेनिंग सिखाने लगा। लेकिन मैं अंदर ही अंदर जानता था कि SAS में मेरा कोई भविष्य नहीं है, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। लोग पूछते हैं बेयर तुमने इतना सब कैसे हासिल किया, इसका क्या सीक्रेट है। लेसन चार, कीप गोइंग। SAS छोड़ने के बाद मैं बेरोजगार था और एवरेस्ट चढ़ने की ट्रेनिंग और इक्विपमेंट के लिए करीबन 25 लाख रुपयों की जरूरत थी। बियर गर्ल्स कहते हैं मैंने 250 कंपनीज को स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल लिखे और मैं 250 जगह से रिजेक्ट हो गया। कारण, मुझे कॉरपोरेट भाषा में बात करना और प्रपोजल लिखना नहीं आता था, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं बिना किसी डर और संदेह के जीऊंगा, इसलिए रिजेक्शन के बावजूद मैं नहीं रुका। एक बार रिचर्ड ब्रैंसन से मिलने गया, लेकिन सेक्रेटरी ने मुझे भगा दिया। फिर मैं किसी तरह एक कंपनी के CEO से मिला। मेरे पास केवल 2 मिनट का समय था। CEO ने मेरा जुनून देखकर मुझे 21 साल के लड़के पर भरोसा किया और $10,000 की स्पॉन्सरशिप देने को तैयार हो गए। जब एक बड़ी कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया तो 5-6 अन्य कंपनीज ने भी मुझे स्पॉन्सर कर दिया। बियर गर्ल्स एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के ब्रिटिश बने। बियर गर्ल्स कहते हैं कि एवरेस्ट की यात्रा बहुत कठिन रही। 2 बार मेरी जान जाते जाते बची, 4 साथी जीवित नहीं रहे, लेकिन इस यात्रा के बाद मेरा इन 4 लेसन्स पर विश्वास पक्का हो गया। मैं लोगों से इसी बारे में बातें करने लगा और लोग मुझे अपनी कंपनीज के सेमिनार में बुलाने लगे। होते होते मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में आया। फिर एक दिन हमने मैन वर्सेस वाइल्ड का पायलट एपिसोड बनाया। पियरगल्स कहते हैं जो मैंने डिप्रेशन में सीखा था उसकी बदौलत मैंने जीवन में कभी पीछे मुड़के नहीं देखा। समरी, जो आप सोचते सोचते सो जाते हो उसका जवाब आपको अंतर्मन की अनंत गहराई से मिलता है। बियर गर्ल्स को भी मिला। लेसन वन, ऑल इज वेल। जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जब सब कुछ उसकी मर्जी से होता है तो कभी कुछ गलत हो नहीं सकता। बियर गर्ल्स कहते हैं मैंने इन शब्दों के सच को अपने अंदर महसूस किया और खुद से वादा किया कि अब मैं किसी चीज के लिए दुखी नहीं होऊंगा। खुद को चिंता करने से पहले बोलूंगा
ऑल इज वेल। लेसन नंबर टू, महान लक्ष्य। कुछ बड़ा करने के लिए तत्पर रहो। बेयर ग्रिल्स कहते हैं, मुश्किल से बाहर निकलने के लिए कुछ और बड़ा करने को तत्पर रहो। बेयर ग्रिल्स ने खुद से दूसरा वादा किया, अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी डर और संदेह के जीऊंगा। लेसन नंबर तीन, जीवन अनमोल गिफ्ट है। क्योंकि जब आप अपने सपने को जीवित रखते हो, अपने ऊपर विश्वास करते हो, आपको अंदर से खुशी महसूस होती है, तब आपको एहसास होता है ये जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, सपनों का पीछा किया जाए तो जीवन अनमोल गिफ्ट है। लेसन नंबर चार, कीप गोइंग। बिना किसी डर और संदेह के जीना मतलब निरंतर आगे बढ़ते जाना, और बेयर ग्रिल्स ने जीवन में आखिर तक यही किया। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता के लिए जिद्दीपन तो चाहिए ही, और बिना जिद्दीपन के कोई सफलता नहीं टिकती। जब भी आपके पास समय हो तब जिद्दीपन के 8 नियम पर वीडियो जरूर देखिए, या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।